नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम कांटे की टक्कर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुंदेलखंड की दमोह लोकसभा सीट बीते 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनी हुई है। अब तक यहां हुए चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ 3 बार जीत मिली है, जबकि बीजेपी लगातार 9वीं बार जीत की मंशा से चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी के जितेंद्र खरे की चुनौती के बीच सीधा मुकाबला बीजेपी के प्रहलाद सिंह पटेल और कांग्रेस के प्रताप सिंह लोधी के बीच में है। दमोह का दंगल इस बार इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृष्ण कुसमरिया को पार्टी में लिया, लेकिन टिकट अपने पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी को दी और यहां बहुतायत में मौजूद लोधी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली। दमोह के चुनाव में जहां बीजेपी पीएम मोदी का चेहरा लेकर मैदान में है, वहीं कांग्रेस बुंदेलखंड की परंपरागत तस्वीर बदलने के वादे पर। तो आइए देखते हैं कि चुनाव से पहले क्या कर रहे हैं कांटे की टक्कर वाले ये दोनों ही प्रत्याशी। दमोह संसदीय सीट पर बीते 30 सालों से 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है और ऐसे में इस सीट पर वापसी के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस ने यहां से प्रताप सिंह लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो अपने ही अंदाज में गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जबेरा विधानसभा क्षेत्र के गांव में मौजूद हैं, जहां पर प्रताप सिंह लोधी गांव-गांव पहुंच रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, युवकों से बात कर रहे हैं, बेरोजगारों से बात कर रहे हैं और यहाँ तमाम लोगों से वो अपने ही अंदाज में मुखातिब होते हैं। और मुख्य मुद्दा स्थानीय प्रत्याशी का होना बता रहे हैं, क्योंकि बीते चुनाव में भी ये स्थिति बनी थी। प्रहलाद सिंह पटेल जो कि सिटिंग एमपी हैं और इस बार भी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बाहरी प्रत्याशी बताया गया था उनको, और इस बार भी जब पहुंचते हैं प्रताप सिंह लोधी तो सबसे पहले ये कहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार हैं, लिहाजा वो इस बार जनता कांग्रेस को वोट करे। साथ ही साथ जो राहुल गांधी के तमाम ऐलान है राष्ट्रीय अध्यक्ष के न्याय योजना का बखान वो करते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, खासकर बुंदेलखंड के इस दमोह अंचल में पेयजल की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसे दूर करने की वो बातें करते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि प्रताप सिंह लोधी जबेरा विधानसभा क्षेत्र के गांव में मौजूद हैं, जो कि यहां लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। आगे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच में है। तो दमोह संसदीय सीट पर कांग्रेस पार्टी लगातार जीत की खातिर जोर लगा रही है और इस वक्त पा रहा हूं कि प्रताप सिंह लोधी जो है वो दमोह के जबेरा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। एक गांव में यहां पर वो पहुंचे हैं और लोगों से मुखातिब हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाए, प्रताप सिंह लोधी को मौका दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा। प्रताप जी, सबसे पहले तो मैं देख पा रहा हूं कि आप जिस भी गांव में पहुंचते हैं सबसे पहले ये बात कहते हैं कि आप स्थानीय हैं, इसलिए आप लोगों का ख्याल रखेंगे। क्या मकसद है इसके पीछे आपका? इसका मकसद है कि जो अभी वर्तमान में सांसद थे वो नरसिंहपुर के रहने वाले हैं, जबलपुर में उनका निवास भी है, लेकिन पिछले 5 साल के कार्यकाल में देखिए कि तो हमारे दमोह संसदीय क्षेत्र में उनका मुश्किल है 50 दिन का ही भ्रमण हो, क्योंकि जब भी आते 4 घंटा दमोह में रुकते हैं,
बेड़ा ताल में चले जाते हैं, बेड़ा ताल में फोटो खिंचवाई, कुछ काम किया और निकल गए। यदि जब स्थानीय व्यक्ति इनके बीच का मिलेगा तो चाहे होली दिवाली की जब छुट्टी होती है तब भी वो यहीं रहेगा, इनके बीच में ही रहेगा, इनकी समस्याएं जानेगा, इनके बीच में रहेगा तो उनकी समस्या उसको मालूम होगी। अब जो समस्या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे मालूम है इस कोंपा देरी ग्राम में जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, यहां पेयजल के विशाल संकट है और यदि यहां की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं निश्चित रूप से इस बात को संसद में उठाऊंगा और यहां इन लोगों की इस पानी की समस्या का निराकरण करूंगा। हमने देखा कि बुंदेलखंड की जो परंपरागत तस्वीर थी वो कमोवेश आज भी वही नजर आती है। पूरा अंचल हम घूम रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि भारी भीषण जल संकट है। कई गांव हमने देखे जहां पर तो पलायन की भी स्थिति हो रही है, एक सहजपुर गांव हमने देखा। तो क्या बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में है आप? एक तो स्थिति यहां का स्टेट ऐसा है कि यहां पानी नहीं है और लेकर 15 साल से यहां बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। पीएचई के माध्यम से, उनका पीएचई विभाग है, उसके माध्यम से उन्होंने नल जल योजना तो बनाई छोटी छोटी, मुख्यमंत्री पेयजल योजना बनाई, लेकिन उनकी हालत यह है कि पूरा भ्रष्टाचार की भेंट हो गई। टंकी बनी है उसकी तो लाइन नहीं डरी गांव में, और कहीं लाइन डरी है तो टंकी नहीं है, और लाइन डरी हो टंकी है तो स्रोत नहीं है। ये स्थिति मतलब पूरा का पूरा भ्रष्टाचार, जबकि पूरे बुंदेलखंड पैकेज जो कांग्रेस की देन है, राहुल गांधी ने बुंदेलखंड के लिए पेयजल की समस्या, अन्य समस्याओं को हल करने के लिए जो पैकेज दिया गया था 3,800 करोड़ रुपए, वो पैकेज पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और आज कल जब राहुल गांधी पथरिया आए थे तो उन्होंने कमलनाथ जी से कहा है कि यदि आप उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल भेजिए और उनसे पैसा वसूल कीजिए, जो ने भ्रष्टाचार में उन्होंने लिप्त किया है उस पैसे से गरीबों तक पहुंचाइए और हमारे गरीबों की पेयजल की समस्या को हल कीजिए। तो जनता को किस तरह से आप ये तमाम मुद्दों को कम्युनिकेट कर पा, क्या वादा कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा पेयजल को लेकर आपने बात कही, और क्या है आपका? हमारा एक और है कि हमारे यहाँ का पलायन करता है, मजदूर पलायन करता है। अभी तक मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने का था, अब हमारी कांग्रेस पार्टी यदि आती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते तो 150 दिन यहाँ के लिए यहाँ रोजगार मिलेगा। साथ ही हमारे यहाँ छोटे उद्योग, एक भी छोटे उद्योग नहीं है, न कुटीर उद्योग काम हो रहा है। तो हमारे यहाँ जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उसी टाइम पर सिर्फ एक माइसम फैक्ट्री जो है वो आई थी कांग्रेस के टाइम पर, उसके बाद ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया कि जिसमें स्थान यहाँ के लोगों को स्थायी रूप से यहाँ पर रोजगार मिल सके। मैंने जाके देखा राख सल्फेट की हीरा प्रोग्राम है, राख सल्फेट वहां प्रचुर मात्रा में वहां पर मौजूद है, उसकी फैक्ट्री थी, लगाई गई थी कांग्रेस के टाइम पे, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में वो बंद कर दी गई। मैं यदि यहां की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं संसद तक पहुंचा तो मैं सर्वप्रथम हीरापुर की फैक्ट्री चालू करवाऊंगा, जिससे यहां के लोगों के लिए रोजगार भी मिलेगा और हमारे कहां जो खनिज है उसका दोहन भी होगा। लेकिन ये जो चुनाव है वो दल बदलुओं के चुनाव के बतौर भी देखा जा रहा है। रामकृष्ण कुसमरिया पूर्व सांसद वो कांग्रेस में शामिल हुए, क्या असर देखते हैं अब इसका, जिस तरह से आपका कैंपेन लगातार ये चल रहा है चुनाव में, कुसमरिया जी का क्या फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा, जो बुजुर्ग नेता थे जिन लोगों ने कांग्रेस बीजेपी हो स्टैंड की थी, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे अटल जी हो, चाहे और भी नेता हो, चाहे कुसमरिया जी हो, ये कौन सा पैरामीटर है जो यदि काम करने की क्षमता है तो 75 साल वालों के लिए बाहर कर दिया जाता है, चाहे बाबूलाल गौर या कि निवार, ऐसे बुजुर्ग उनको तो अनुभव का फायदा लेना चाहिए। और जब नहीं उनके लिए अपने घर में ही उनको प्रताड़ित होना पड़ा, उनको दुखित होना पड़ा, तो उन लोगों ने स्वेच्छा से छोड़कर कि यहां हमारी आज अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है उस पार्टी में, इस कारण से भी छोड़कर कांग्रेस में उन्होंने दामन सौंपा है। ये फायदा क्या कांग्रेस को मिल रहा है? बहुत जबरदस्त मिल रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा प्रहलाद सिंह पटेल इस बार फिर से बीजेपी की टिकट पर है, उनके खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आप क्या कहते हुए जा रहे हैं? मैं तो फिर बोलूंगा, वो बाहर के रहने वाले हैं और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। उन्होंने जब 5 साल यहाँ नहीं रहे, यहाँ कोई काम नहीं किए, तो मतदाताओं के सामने जब वो जाएंगे तो मतदाता रहे हर जगह कि आप बताइए कि आपने कितने बार यहाँ आए, हमारे कब दुख सुख में शामिल हुए, ऐसा कौन भी केंद्रीय योजनाओं को हमारे पास लेके आए, जब कोई योजना लाए नहीं है तो उनका हक नहीं बनता कि इस क्षेत्र की सेवा करें। और इस क्षेत्र के लाडले विधायक के रूप में मैंने यहाँ काम किया है और मैं वादा करता हूँ इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए वहां से तन मन से रात दिन मेहनत करके उनकी समस्याओं को सुलझाऊंगा, जिला स्तर पर सुलझाऊंगा, अपने स्टेट लेवल पर
और केंद्रीय योजनाओं को लाने में पूरा प्रयास करूंगा। बड़े अंतर से 2,13,000 के लगभग बड़े अंतर से कांग्रेस ये सीट बीते साल भी हार गई थी, इस बार क्या दावा है आपका, अंततः क्या आपको नजर आता है कि जो आपका कैंपेन चल रहा है, राहुल जी क्या यहाँ पर सभा हुई, क्या दावा है कि क्या जनादेश निकले गए? बहुत अच्छे तरीके से, वो तो जो मुझे टिकट दी गई थी पार्टी ने उसी टाइम पे वो तो भरपाई 2,33,000 की वही हो गई थी। अब तो हमको जीत का अंतर है कि हम 2,00,000 से जीतते हैं कि 1,50,000 से जीतते हैं, ये अंतर अब मतदाताओं के पास है और मतदाताओं का रुख देख के, उनका मन देख के, उनके लोगों के चेहरे देख के मुझे लगता है कि हम 2,00,000 से ऊपर मतों से हम जीतेंगे और यहाँ की जनता मुझे जिताएगी और मैं इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए, इनकी सेवा करने के लिए हमेशा संसद में मौजूद रहूंगा और संसद से जो मुद्दे इस क्षेत्र के लायक हैं, बुंदेलखंड के लायक हैं, उनको उठाऊंगा, उनको हल करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने बात की प्रताप सिंह लोधी जी से जो कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में है। दमोह के भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद किला बनकर रह गई ये सीट, लेकिन दावा है प्रताप सिंह लोधी का कि इस बार रिकॉर्ड मतों से ये सीट जरूर जीतेंगे और भाजपा प्रत्याशी की के बाहरी होने को और उनकी निष्क्रियता को का आरोप लगाते हुए एक बड़ा इशू बनाया है और दावा है कि अगर उनको मौका मिलता है तो यहाँ की पेयजल की समस्या दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। तो बड़े वादों के साथ चुनावी मैदान में प्रताप सिंह लोधी है और दावा है कि इस बार दमोह की सीट पर कांग्रेस की जीत बड़े अंतर से होगी। देखना होगा कि इस दावे के मुताबिक इस क्षेत्र की जनता क्या जनादेश सुनाती है। लगातार 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का किला बनी हुई दमोह संसदीय सीट पर इस बार भी बीजेपी से प्रहलाद सिंह पटेल मैदान में हैं और उनके पास चुनौती है इस गढ़ को बचाने की। धुआंधार जनसंपर्क हमने देखा कि प्रहलाद पटेल का पूरे संसदीय क्षेत्र में चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ प्रहलाद जी मौजूद हैं। प्रहलाद जी, सबसे एक अहम सवाल ये जहन में आता है कि आपने लगातार कई चुनाव लड़े, 8 चुनाव आपने फाइट किए, 4 बार आप सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, ये पहला मौका है बीते चुनावों से जब आपका चुनाव अलग नजर आता है, पहली बार आप लगातार एक ही सीट से दूसरी बार फाइट कर रहे हैं, क्या अंतर देख पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है इसको करेक्ट करना चाहिए। मैंने पहले 4 चुनाव सिवनी से लगातार लड़े, वो लोगों को शायद अंदाजा नहीं पड़ता, मैंने लगातार पहले 4 चुनाव मैंने सिवनी से लड़े, 5वां बालाघाट, 6वां छिंदवाड़ा, 7वां और 8वां ये दमोह। पर हाँ, ये जरूर है कि इस बार का जो चुनाव है वो मोदी जी के 5 साल के कामकाज को लेकर है और आने वाली जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे हम पीने के पानी की गारंटी दें, आवास की दें, गैस की दें, बिजली की दें, शौचालय की दें, और उससे ज्यादा जरूरी है कि जैसे कल अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया, ये भारत सरकार की और हमारे नेतृत्व माननीय नरेंद्र जी मोदी की सफलता ही है। स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस लगातार फोकस करने की बात कह रही है। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज में एक बड़ा भ्रष्टाचार होने की बात कही कि 3800 करोड़ की राशि यूपीए शासनकाल में उन्होंने दिलवाई थी जबकि गैर कांग्रेस सरकारें थी यहाँ पर यूपी में और एमपी में, और इसको लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया कि एक जो घोटाला हुआ उस पर सीएम कमलनाथ जांच करवाएंगे और उस पर हम एक्शन लेंगे, स्थानीय मुद्दों पर लेकर आए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त लोग तो हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि सूपा बोले तो बोले, छलनी भी बोल रही है, मतलब उनकी माताजी बेल पर हैं, वो खुद भी बेल पर हैं और उनके बहनोई साहब भी बेल पर हैं। किन मामलों में? बेईमानी के ही तो आरोप है, पैसे के ही तो आरोप है, हमारे नेता पर तो ये आरोप नहीं है। मैं भी कह सकता हूं, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, हम पर तो ये आरोप नहीं है। बुंदेलखंड पैकेज का मामला जब मैं संसद में उठाता था, और शायद मैंने 7 या 8 बार उठाया है, तब राहुल गांधी कहां थे? वो तो सदन में थे, उनकी पार्टी के लोग सांसद थे, तब उनको याद नहीं आई, आज चुनाव के समय याद आ रही है। कम से कम मेरे क्षेत्र में आकर मेरे कागजों के आधार पर नकल करने की जो आदत पड़ी है राहुल गांधी की, उसको जरा कम करें तो अच्छा रहेगा।
सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि विपक्ष के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी दमोह में आते हैं, सभा करते हैं और वही सवाल पूछते हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा बुंदेलखंड में अधूरा रह गया और वो जब आएंगे तो न्याय योजना से न्याय मिलेगा जनता। कांग्रेस की बात का कोई भरोसा करता नहीं है और राहुल गांधी की बात का तो कोई करता ही नहीं है। मतलब कांग्रेस कहे कि हम रोजगार देंगे, इससे बड़ा मजाक इस देश में कुछ हो नहीं सकता। आप मनरेगा चलाएंगे तो रोजगार उससे पैदा होगा, हम चलाएंगे तो नहीं होगा, हम उससे ज्यादा पैसा दे देंगे। मैं रूरल डेवलपमेंट कमेटी में रहा हूँ, कांग्रेस ने कभी उतना मनरेगा को पैसा नहीं दिया जिसके नाम पर वो रोजगार का दावा करते रहे, लेकिन जब मोदी देंगे तो रोजगार नहीं माना जाएगा। ये जो दोहरा पैमाना है वो दोहरा पैमाना है, जनता जानती है, इसलिए कभी राहुल गांधी की बात का और कांग्रेस की बात का कभी कोई विश्वास नहीं करता। स्थानीय मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, आपने भी जिक्र किया कि जातिवाद की राजनीति भी एक कंसर्न है, यहाँ पर समस्या है। इस बार जिस तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है प्रताप सिंह लोधी को आपके मुकाबले में उठाया, उनका दावा ऐसा है कि उनके कैंडिडेटर से ही तकरीबन 1.5 से 2 लाख वोटों का फायदा हो जाएगा कांग्रेस। वो हमारे काम चुटकुला चलता ना, हिसाब किताब जब करता हूँ फिर भी कुनबा डूबा। अभी ताजे ताजे हारे हैं, वहां भी लोधी थे, वो यहाँ भी लोधी है। अभी विधानसभा का चुनाव हारे हैं और एक हमारे एक नौजवान हारे हैं। प्रताप लोधी जी आदमी अच्छे हो सकते हैं लेकिन नेता अच्छे नहीं है। उनके रहते ही उनकी सरकार ने 40,000 क्विंटल धान तुली हुई किसान को वापस की है और इस जिले में 1 लाख क्विंटल धान वापस हुई है। प्रताप लोधी अगर ये मानते थे पहले इसका जवाब दें कि क्या उसमें सब लोधी हैं या दूसरे भी हैं। तो लोधी फैक्टर के अलावा वो बाहरी प्रत्याशी बताकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बीते चुनाव में भी ये स्थिति हमने देखी थी, इस बार क्या आपको नजर आया? जिनकी राष्ट्रीय नेता देश के बाहर की, जिनका प्रांत का नेता राज्य के बाहर था और वो मुख्यमंत्री बन के बैठा है, इनके विधायक हैं वो बड़ा मलेरा से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो नीचे से ऊपर तक बाहर के हैं वो हमको बाहरी कह रहे हैं। तो मुझे समझ जाइए कांग्रेस कितनी बड़ी झूठी और कितना झूठ बोल सकती है, इसका अंदाजा कर लीजिए। 2,13,000 का तकरीबन अंतर था, इस बार क्या नजर आता है? और ये दावा विपक्ष भी करता है कि 2014 के मुकाबले 2019 में मोदी वो नहीं है जैसी पहले थी, अभी क्या नजर आता है आपको, क्या जनादेश देखता है? मुझे लगता है कि पिछले बार मोदी खुद वोट मांग रहे थे, अब मोदी के काम से जनता वोट मांग रही है, हम वोट मांग रहे हैं, ये बेब तो 23 को पता चलेगी। मेरा मानना है कि बेब उससे ज्यादा है। तो हमने बात की प्रहलाद सिंह पटेल से, जो अपने जाने पहचाने बेबाक अंदाज में बात कर रहे हैं और कहना है कि एक बार फिर जनता पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा करेगी और कहना है कि कई मुद्दों पर खासकर जल संकट और रोजगार के कंसर्न पे बहुत कुछ काम दमोह संसदीय क्षेत्र में भी किया गया है और अगर जनता मौका देगी तो 5 साल बाद बुंदेलखंड की जो तस्वीर है परंपरागत उसको बदलने का काम किया जाएगा। फिलहाल दावा है कि दमोह सीट भी जीतेगी बीजेपी और महाकौशल के साथ साथ पूरे मध्यप्रदेश में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि 23 मई को जब नतीजे होंगे तो इन दावों के मुकाबले जनता क्या सुनाती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजय पांडे, IBC 24, दमोह।